हेलो, जय श्री श्याम। हनी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोलो। आज भाई पापा, मम्मी और बेटी ने तीनों ने सेम सेम डाले हैं। देखो, व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। हाँ, माइक दिख गया आपको? नहीं, हेलो कर पहले। अभी आज हैदराबाद घूमने का प्लान था, तो अभी हैदराबाद के लिए निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। हाँ, आपको लेके चलेंगे बेटा। इसको एक्चुअली माइक दिख गया पापा कि के पास जाएगी। लो ले लो पापा पापा के पास नहीं, माइक के पास जाएगी। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट। हनीका चलो हनी, हनीका इधर कहाँ इधर आ है? जा। आओ, मम्मा पास आ जा। हनी भी आ गई। माइक नहीं लेना बेटा। और देखो, और देखो उधर देख, मामू भी देखेंगे इसको, चाची भी देखेंगे, सब देखेंगे इसको। ठीक है, बता दे। आज भाई अभी हैदराबाद, पहले हनी को शॉपिंग करानी है। अभी क्या है, हैदराबाद में क्या कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, तो यहाँ सर्दी काफी बढ़ गई है। तो हनी के लिए थोड़ा फुल स्लीव्स के कुछ कपड़े लेने हैं। और हनी थोड़ी सी बीमार भी होगी, इसको कोल्ड हो हाँ, गया है, मौसम चेंज हो गया है ना यहाँ पे, कोल्ड हो बहुत गया नहीं ज्यादा कंटिन्यू आपको? कंटिन्यू बारिश हो यार रही है 5-6 दिन यहाँ, से बारिश हो रही है। बहुत जैसे बारिश हो मुंबई की तो रहा आप शायद न्यूज देख भी रहे होगी, इतनी बारिश तो नहीं है, बट है। हाँ हल्की फुल्की, मतलब कंटिन्यू ही हो रही है। या 10-15 मिनट रुकती है, फिर मतलब वही कंटिन्यू चल ही रही है बारिश। तो आज फिर अभी मौसम थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, क्लियर लग रहा है। आज तो वेदर फिर नेट पे चेक किया था, आज तो बारिश की कोई ज्यादा संभावना है नहीं, इसलिए हैदराबाद घूम के। हैदराबाद कभी आओ तो जैसे नेट पे देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग देखे होंगे घूमने के। यहाँ बहुत सारे प्लेसेज हैं, जैसे रामोजी फिल्म सिटी है। रामोजी फिल्म सिटी में तो बहुत सारी जगह है, मतलब एक दिन में आप पूरा घूम नहीं पाओगे, काफी बड़ा एरिया है उसका। वो बहुत सारे सेट वगैरह हैं, मोस्टली मूवी वगैरह इधर ही मतलब शूट होती है। जैसे बाहुबली बाहुबली कितनी का बड़ी सेट मूवी है है। पूरा हाँ उधर ही था। हाँ बाहुबली का पूरा सेट है। जैसे आप वहाँ घूम सकते हो। उसके बाद ये चार मीनार हो गया, गोलकुंडा फोर्ट हो गया, एनटीआर गार्डन हो गया, और भी बहुत सारे। जैसे एक जल भी आ रहे हैं वाटर पार्क, एक वंडरेला वाटर पार्क है। अगर कभी आओ तो वंडरेला वाटर पार्क भी घूमने की काफी अच्छी जगह है, काफी बड़ा वाटर पार्क है यार। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि वाटर पार्क होते हैं, बट उसमें भी इतने ज्यादा झूले हैं ना, ये लगा लो आप फुल डे में आप घूम नहीं पाओगे। अब हनिका का क्या है, मन नहीं लग रहा इसका, मन करता है हमेशा मस्ती करने का। कभी मम्मी की तरफ जा रही, कभी डैडा की तरफ जा है रही, नहीं, ये देखो एक जगह नहीं रहना। ऐसे आज मैचिंग कर रखी है। आप लोगों ने नोट किया और बताया भी था मैं स्टार्टिंग में। ये देखो तीनों की मैचिंग है, ब्लू जीन्स व्हाइट टी शर्ट की। हनिका की थोड़ी सी लाइनिंग वाली है, हनिका स्टाइलिश है ना, थोड़ा अलग चलती है, इसलिए ये हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनती। हाँ हाँ, हनी वो का तो यार अब है ना, मम्मा के ना बिंदी बिंदी तो ये ना छोड़ते भी नहीं बिल्कुल भी। मेरी फेवरेट है, कह दे वो। अब डेडा की तरफ जाना है। अभी क्या एक्चुअली हम व्लॉग बना तो रहे हैं, 2-3 व्लॉग बनाए भी हैं शायद, लेकिन इतना क्या वो लोग का एक्सपीरियंस नहीं है ना। हम शॉर्ट्स वीडियो तो बनाते रहते हैं, ठीक ठाक सब्सक्राइबर वगैरह भी अच्छे हैं, लेकिन व्लॉग वगैरह बनाने के लिए भी थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो आप लोग कमेंट में एडवाइस कर सकते हो, वो अच्छे लोग कैसे बनाते हैं क्या है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे, जैसे अभी कुछ दिनों बाद हमारी छुट्टियां होने वाली है यहाँ ऑफिस की। ऑफिस छुट्टियां होने बाद हम डेली का एक व्लॉग डालेंगे कि हैदराबाद में जब हम घूमेंगे यहाँ पे, कम से कम 15-20 दिन हम फ्री हैं, तो रोज का मतलब जैसे हर एक जगह कहाँ हम घूम रहे हैं, कहाँ की क्या खासियत है, पूरे व्लॉग आपको पक्का हमारे चैनल पे मिलेंगे। और साथ में शॉर्ट्स वीडियो तो हमारी आती रहती है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना। और अगर हमारी वीडियोस वगैरह कुछ अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करना। आप सबका प्यार के लिए हम बहुत, हमें बहुत जरूरत है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ब्लॉग को प्लीज वैसे देखना। काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है चैनल में, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, बट फिर भी चैनल काफी ठीक ठाक चल रहा है। चैनल ठीक चलने से मतलब नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ना उसमें अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है ना, तो कोई भी काम करने का मजा आता है, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, पॉजिटिवनेस आती है। मैं इसलिए है कि अगर हो सके तो अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आती है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है, और बाहर थोड़ा मौसम तो वैसे ठीक है, फिर भी हम जैसे बुलेट पे हैं तो बुलेट बाइक से तो हम शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं साथ में, फिर हम आप लोग बोलोगे छोटी बच्ची है क्या। इसलिए हम रास्ते में बाइक पे शूट नहीं करते,
यहाँ की हैदराबाद की क्या रूल रेगुलेशन थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब अपने मुकाबले जैसे हरियाणा वगैरह में तो क्या है इतना आपको ट्रैफिक पुलिस वाले वगैरह नहीं बोलते, यहाँ तो अगर आपने डबल हेलमेट नहीं पहना है, थोड़ी भी मिस्टेक कर रहे हो, कुछ भी बात है तो तुरंत आपका चालान हो जाता है, मतलब कैमरे भी लगे हैं बहुत जगह है कि आपको ऑनलाइन चालान भी हो जाता है। अभी तक तो नहीं हुआ बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि रूल को फॉलो करें, ये एक्चुअली चालान से बचने के लिए नहीं, रूल तो हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए भी होता है, अपनी सेफ्टी में साथ में दूसरे की सेफ्टी पे, कोई अगर पास में चल रहा है तो अगर हम गलत चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे वाला गलत ना होते हुए भी नुकसान होने चांस होते, इसलिए आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कभी भी अगर रोड पे चल रहे हो तो यातायात के नियमों का पालन करें और कोशिश करें कि फोन वगैरह का यूज थोड़ा कम ही करें। ओके थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री।